दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब देश के ज्यादातर राज्यों में दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और कुछ राज्यों में अभी बोर्ड एग्जाम होना बाकी है। और ऐसे में अगर आप यूपी, एमपी, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। इसीलिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप दसवीं या बारहवीं के किसी भी राज्य के छात्र हैं तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस बार कक्षा दसवीं और बारहवीं के ज्यादातर बच्चों को पास कर दिया जाएगा क्योंकि कोरोना के कारण पूरे साल क्लासेस सही से नहीं हो पाई थी, इसीलिए आपकी थोड़ी लूज मार्किंग करी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आज की अगली और बड़ी खबर क्या है। आज की अगली और बड़ी खबर एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। बता दें कि एमपी बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है और आपका रिजल्ट 25 अप्रैल 2022 तक जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और अपना स्कूल कोड डाल करके देख सकते। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज की अगली और बड़ी खबर जो कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए है। बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने टर्म 2 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके चेक कर पाएंगे। तो ये तो थी अभी तक की खबर। जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई नई और बड़ी खबर निकल कर आएगी तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले।